गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। तो इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कैसे कॉलिंग पिक स्पिनर कैसे क्रिएट करें जो आपके सामने देख पा रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही माइंड ब्लोइंग प्रोजेक्ट है, ठीक है। जो एक ऐसा लिंक जो 4 साल में होता है, तो इस हम बनाएंगे एक प्रीलोडर भी बोल सकते हो। जो चलो इसको रिफ्रेश करते हैं। तो पहले काम करेंगे, आप अपना सबलाइन टेक्स्ट खोल लेंगे और को प्रोजेक्ट को बड़ा करते हैं, फिर इसको नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिसका नाम सेव करेंगे डेस्कटॉप पे, और इसका नेम दे देंगे हम om.html, ठीक है, om.html। फिर इधर हम और एक चीज़ करेंगे, वो होगा html टैग्स, जो मेन चीज़ है इधर। तो इधर हम लिख देंगे yt, से लिख देते हैं, ज़्यादा कुछ लिखनी ज़रूरत नहीं है, नहीं ओलिंग पे ही लिख देते हैं, सेव करते हैं इतना तक। फिर काम करेंगे, छोड़ो, बॉडी टैग के अंदर चले आते हैं और इधर हम बनाएंगे, और सॉरी इधर हम स्टाइल शीट को मतलब इनबिल्ट स्टाइल शीट यूज करेंगे, सेव करते हैं। ये लो बॉडी टैग के अंदर अब हम अपना बॉडी टैग ये करते हैं, पार्शियल। ये अगर आप देना नहीं चाहते, मतलब लिखना नहीं चाहते, तो मत लिखिए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं लिख रहा हूँ पार्शियल डॉट एच टी एम एल, ठीक है। फिर ये वाला, फिर नेक्स्ट लाइन पाते हैं, फिर इधर एक डिव बनाएंगे, सेव करेंगे। फिर डिव के अंदर एक क्लास हम लगा देंगे, क्लास होगा कंटेनर, ठीक है। और एक काम करते हैं, हाइफ़न एस पी आई एन एन ई स्पिनर लगा देते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम फिर से एक डिव लगाएंगे, और जैसे कि 5 होता है तो वैसा ही होगा, क्लास स्पिनर सेव करेंगे। फिर से और एक डिव बनाएंगे जिसका क्लास करेंगे स्पिनर, सेव करेंगे, नेक्स्ट लाइन पाएंगे, ठीक है। लगभग 5 बनाना होगा क्योंकि 5 हमारे पास डी स्पिनर्स हैं। क्लास स्पिनर डिव, क्लास स्पिनर सेव डिव, क्लास स्पिनर सेव, ठीक है। फिर इस डिव के एंड होने के बाद ये फिर से और एक एक पार्शल, अगर आप लिख रहे हैं, लिखे हो फर्स्ट फर्स्ट टाइम, तो इसको भी ज़रूर लिखना। फिर आप लोगों को नेक्स्ट लाइन पाना है, जिधर आप लोगों को एक स्क्रिप्ट डालना है, स्क्रिप्ट जिसका src लिखना होगा, सेव करना है। वो कोड आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मिल, पिन कमेंट में मिल जाएगा, स्क्रिप्ट src का https फिर सीएडी कोड डॉट jquery क्वेरी डॉट कॉम स्लैश jquery जे क्वेरी हाइफ़न। मैं ना इस कोड को मतलब इस लिंक को लिखने के बाद मैं और एक बार डबल चेक करूँगा मेरे जो आप लोगों को डेमो दिखाया था उस वेबसाइट के साथ, क्योंकि गलत गलती हो सकती है लिखने में। सो उसको चेक कर लेते हैं एक बार, और इधर से इस चीज़ को मैं कॉपी कर लूँगा भाई, एकदम रिस्क नहीं लेने का। नहीं, इसको कुछ ही सेम था, सब कुछ सेम ही था। चलो, तो हमने मेन चीज़ तो ख़त्म कर चुके हैं, फिर से इधर से हम स्क्रिप्ट लगाएंगे, स्क्रिप्ट टैग, जिसके अंदर हमारा जावास्क्रिप्ट का पोर्शन भी ख़त्म कर लेंगे, जावास्क्रिप्ट इनबिल्ट जावास्क्रिप्ट भी यूज़ करेंगे। फिर अब स्टाइल शीट पे आते हैं, जिधर हम लिख देंगे html, सॉरी आई एम सॉरी html, जिसके अंदर आप लोगों को लिखना होगा हाइट जो होगा 100% सेव, सॉरी सेव। और नेक्स्ट लाइन पाएंगे जिसका हम ओवरफ्लो भी हिडन कर देंगे, ओवरफ्लो हो जाएगा हिडन सेव, सॉरी। और नेक्स्ट स्विच हो जाएंगे, फिर बॉडी लिखेंगे
जिसका नाम लिखेंगे डिस्प्ले हो जाएगा हमारा फ्लेक्स FLEX फ्लेक्स सेव करेंगे नेक्स्ट टाइम पाएंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम सेव नेक्स्ट अलाइन आइटम्स सेव सेंटर सेव नेक्स्ट लाइन जस्टिफाई कंटेंट हो जाएगा अपना सेंटर सेव नेक्स्ट लाइन फिर हाइट जो हो जाएगा अपना 100% सेव नेक्स्ट लाइन और बॉडी के बाद जो होता है ठीक है इसके बाद हम डॉट स्पिनर लगाएंगे जो क्लास हमने पहले डिफाइन कर चुके हैं ये रहा डॉट स्पिनर दो एन था ना हाइफ़न कंटेनर दे देते हैं ध्यान रहे जो इधर आप क्लास लिखे हो स्पिनर कंटेनर वो इधर ही छपे वरना लग जाएगा डिस्प्ले फ्लेक्स सेव नेक्स्ट लाइन फ्लेक्स डायरेक्शन रो सेव डॉट अब स्पिनर्स की बारी सेव करेंगे नेक्स्ट लाइन पे आएंगे जिसके अंदर हम कुछ फ्लेक्स फ्लेक्स दे देते हैं फ्लेक्स फ्लेक्स ग्रो जो हो जाएगा जीरो सेव नेक्स्ट लाइन फ्लेक्स स्विंग जो भी हो जाएगा जीरो सेव नेक्स्ट लाइन फिर आपका आता है विद डब्ल्यू डी एच वी ओफो ये विद जो हो जाएगा 80 pixels सेव नेक्स्ट लाइन हाइट जो हो जाएगा 80 pixels सेव नेक्स्ट लाइन मार्जिन लेफ्ट जो हो जाएगा आपका कुछ -36 pixels सेव नेक्स्ट लाइन फिर आपका आता है बैकग्राउंड नन सॉरी नन सेव नेक्स्ट लाइन फिर आता है हमारा बॉर्डर रेडियस ये वाला बॉर्डर रेडियस सेव करेंगे जो हो जाएगा 50% सेव नेक्स्ट लाइन बॉर्डर हो जाएगा कुछ बॉर्डर अरे यार क्या हो गया सॉरी इधर आर लिखना मैं भूल चुका हूँ बॉर्डर सेव बॉर्डर के अंदर हम लिख देते हैं कुछ 6 pixels का 6 pixel सॉलिड करेंट कलर सेव नेक्स्ट लाइन फिर आता है हमारा बॉक्स साइजिंग कर देते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स सेव नेक्स्ट लाइन फिर आता है हमारा हाइफ़न वेब किट हाइफ़न एनिमेशन फिर आता है हमारा हाइफ़न ड्यूरेशन सॉरी ड्यूरेशन नहीं नेम पहले हमने नेम को भी तो डिफाइन करना है ना देता है स्पिन सेव करेंगे नेक्स्ट लाइन पाएंगे फिर से इसका वेब के एनिमेशन दे देते हैं एनिमेशन नेम स्पिन SPIN स्पिन फिर आता है हमारे पास हाइफ़न WEB वेब किट डॉट एनिमेशन वेब किट सॉरी हाइफ़न एनिमेशन हाइफ़न टाइम सॉरी ड्यूरेशन DURATION ड्यूरेशन सेव 1.2s अब एनिमेशन ड्यूरेशन देना होगा एनिमेशन ड्यूरेशन जो होगा आपका 1.2s सेव करेंगे नेक्स्ट लाइन ठीक है फिर आपका आता है हाइफ़न वेब किट हाइफ़न वेब किट आप लोगों को देना होगा फिर हाइफ़न फिर से देना है एनिमेशन हाइफ़न इफ आई फिल हाइफ़न इमोड फिर ये वाला फिर आता है बैकवर्ड ठीक है WARDS बैकवर्ड सेव करेंगे नेक्स्ट लाइन एनिमेशन एक काम करते हैं हमने गलती कर दी एनिमेशन हाइफ़न फिल मोड सेव करेंगे फिर आता है हमारे पास बैकवर्ड सेव करेंगे नेक्स्ट लाइन स्क्रॉल कर लेते हो थोड़ा बहुत
अब हाइफ़न देंगे, वेब किट लगाएंगे, फिर हाइफ़न देंगे। तो ये बहुत फालतू चीज़ है, ये बहुत इरिटेटिंग सा काम है जो मेरे को जब मैं बना रहा था फिर भी पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी करना ही है। हाइफ़न रेशन हाइफ़न CUND। अरे यार किधर क्या हो रहा है यार। काउंट इनफाइनाइट, सॉरी 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 सॉरी, ITE इनफाइनाइट। फिर आता है फिर से एनिमेशन इनफाइनाइट काउंट, जो हो जाएगा इनफाइनाइट। नेक्स्ट लाइन फिर आता है अपना वेब किट। अरे यार बेवकूफ फालतू का एडिटर। एनिमेशन हाइफ़न फिर आता है टाइमिंग फंक्शन। टाइमिंग हाइफ़न फंक्शन, ठीक है फंक्शन। और जिसके अंदर आप लोगों को कुछ लिखना पड़ेगा लीनियर, ठीक है। सिर्फ पढ़ेंगे नेक्स्ट लाइन। ओके सेव। वेबकिट एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन लीनियर, फिर से एनिमेशन एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन दे देते इधर, ठीक है। और टाइमिंग फंक्शन भी इधर लीनियर छा पेलना पड़ेगा वरना नहीं होगा। वो अब जाके ख़त्म हुआ, ये फालतू का चीज़ है। फिर आप लोगों को डॉट SPI स्पिनर सेव करेंगे, और फिर ऊपर नीचे डॉट जो बोलते हैं उसको क्या पता। फिर आप लोगों को अपना पहला बच्चा देना पड़ेगा, आई मीन फर्स्ट चाइल्ड, पहला बच्चा। क्या पता कितने बच्चे पैदा कर लिए। हाइफ़न लेफ्ट 0 सेव। नेक्स्ट लाइन कलर जो हो जाएगा अपना सियोले, और कलर सेव करेंगे RGBA। अबे यार कंट्रोल सेट RGBA। ये 0 ही था, 0 ही रख लेते हैं इसको। इसको हम 41 पे चलाते हैं, फिर ये 144, इसको 2 कर देते हैं और इसको 0 सेव करते हैं। अब बॉर्डर बॉर्डर हाइफ़न टॉप कलर हाइफ़न टॉप कलर सेव करेंगे। आप लोगों को लिखना पड़ेगा #00298C सेव करेंगे, ठीक है। फिर आपके पास आता है स्पिनर नेट चाइल्ड 2 5, पांचवा चाइल्ड तक जाएगा आपका। तो मैं ज़्यादातर टाइम तो वेस्ट करूँगा नहीं, इधर ही जाके पेल दूंगा ये वाला कोड, ठीक है। फर्स्ट के बाद इसको NTH NTH करके छाप पेल दूंगा, NTH, ठीक है। फिर आपके पास आता है और एक फालतू का चीज़ है कुछ, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर आप लोगों को 2 पेल देना पड़ेगा, और मार्जिन जो लेफ्ट है ना उसको कट कर देना होगा सेव। फिर इसका RGB है जो है उसको भी चेंज करना पड़ेगा, 255 सेव करेंगे। फिर 239 सेव। फिर आता है 8 बॉर्डर टॉप कलर, आप लोगों को लिखना पड़ेगा #FFEF08 सेव करेंगे। नेक्स्ट लाइन पाएंगे। फिर से और एक चीज़ हमें कॉपी करना पड़ेगा, फिर नीचे आके इसको भी पेलना पड़ेगा 3 सेव, ठीक है। 3 के बाद इसको हम लोगों को 0 लिखना पड़ेगा, इसको भी 0, इसको भी 0 कर देते हैं। चलो इसको सेव करते हैं, और ये 6 के 6 0 होगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब वाइट। बहुत सारे लोगों को पता भी है तो कुछ लोगों को पता नहीं है, उन लोगों के लिए बता दिया मैंने। स्टे हैप्पी।
ये भाई बिगिनर्स भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, वरना नहीं हो पाएगा। कोडिंग रिक्वायर्स पेशेंस। 1 2 3। अरे भाई 9 को डिलीट करके 1 पेन देना पड़ेगा, तभी हो जाता। इधर हो जाएगा 24, 24 सेव। ठीक है, फिर आप लोगों को कलर्स बदलाना पड़ेगा। इधर हमने कलर्स कुछ ये रखे थे, लेकिन इधर आप लोगों को लिखना पड़ेगा 087B39 सेव करेंगे। इधर आप लोग लिखना पड़ेगा सिर्फ TE1818 सेव। ओके, फिर आप लोगों को एक चीज़ करना पड़ेगा, पेस्ट। ठीक है, डॉट स्पिनर जो है, लेकिन इधर जो सेकेंड, इधर एन आप लोगों को लिखना पड़ेगा एन। अभी भी भाई बहुत तक जाना है, जावास्क्रिप्ट भी बाकी है, बहुत तक मतलब जावास्क्रिप्ट भी बाकी है। 2n है, इसका मार्जिन कुछ कर देते हैं। मार्जिन टॉप जो है 40 पिक्सल्स, 4040 पिक्सल्स सेव करेंगे। भाई मैंने सोचा था 17 मिनट के अंदर ये हो जाएगा, लेकिन ये 16 मिनट्स अभी हो चुके हैं, तो भाई कब खत्म होगा मेरे को भी पता नहीं। 20 मिनट्स के अंदर खत्म हो जाएगा, डोंट वरी, ज़्यादा इसको खींचूंगा नहीं। और कमेंट्री तो ज़्यादातर पास नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, ये पता है यार बहुत बकवास होता है ये सब चीज़ें। मेरा भी एनर्जी लॉस होगा, आपका भी बोरिंग फीलिंग। #, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ट्रांसफॉर्म, इसको क्या हुआ रे? नहीं पता यार क्या हुआ इसको, क्या हुआ इसको। इसको कर दे रोटेट, रोटेट। ये एडिटिंग ग्लिच बहुत फालतू का है। 100% सेव करेंगे। ट्रांसफॉर्म इसका कुछ कर देते हैं, रोटेट 360 डिग्री पे। दुबई का जो प्रोजेक्ट है उसका 160 डिग्री में जो हर एक फ्लोर घूमेगा, वैसा ही कुछ हम घुमा देंगे हमारे ओलंपिक स्पिनर्स को। स्पिनर्स नहीं, आप उसको क्या बोलते हैं, उसको फील्डर्स भी बता बोल सकते हैं उसको, क्योंकि ये अगर आप कोई एक कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं कुछ किसके लिए, ओलंपिक्स के रिगार्डिंग कुछ वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप प्रीलोडर भी ऐड करना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सेव, 0% ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म रोटेट 0। ट्रांसफॉर्म रोटेट 360 DEG सेव। ओके, तो इतना तक भाई ठीक ही है, लेकिन अभी तक इसका जो जावास्क्रिप्ट पोर्शन है वो अभी तक हमारे पास ही है, मतलब पास ही है, मतलब नहीं है, लिखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट डॉट READ, FUNCTION फंक्शन। अरे यार, फिर कर्ली ब्रैकेट। ये जावास्क्रिप्ट का ये बहुत ही लूप पे चलेगा बाबा, बहुत ही झमेला है। Each nav item। अरे यार फालतू में ये सब चीजें दिखा देता है यार। सेव रिलो, रिलो नहीं, सेव फर्स्ट ब्रैकेट, फिर से सिंगल कोट, फिर डॉट स्पिनर, स्पिनर सेव करते हैं। फिर हाइफ़न कंटेनर, TAINER कंटेनर,
डॉट, फिर से बच्चे को लाना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट में। भाई इतना बच्चा हो रहा है भाई, क्या बताएं। SPI NNER और सेव करेंगे, फिर डॉट ईच ESC ईच सेव करेंगे, SUNCTIO फंक्शन सेव करेंगे। मेरे को ना इतना याशी पसंद नहीं है, मैं लिखना पसंद करता हूँ ज़्यादातर, तो फटाफट इतना चला रहा है तो मेरे को वो सब अच्छा नहीं लगता, दिल से बुरा लगता है। फिर स्पिनर, फिर फंक्शन, फिर आप लोगों को सिंगल ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स, फिर इंडेक्स के बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर फिर आप लोगों को लिखना पड़ेगा कुछ पैरामीटर्स। पहले पास कर देते हैं वरना बाबा क्या होगा कि आ जाने। आपने तो गिटहब के को पायलट के बारे में तो सुना ही होगा, जो एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का ही हो चुका है अब वो पूरा तरीके से। तो मेरे को नहीं लगता गिटहब एक दूसरा कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट दूसरा कंपनी है। गिटहब को पायलट ना कुछ छोटे मोटे डेवलपर्स को रिप्लेस कर देगा, सच में बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत फंक्शंस लिखना है, फिर वो खुद ब खुद ही अपने आप को डिज़ाइन कर लेगा। तो मेरे हिसाब से छोटे मोटे जो डेवलपर्स है वो तो गया है। APPLY अप्लाई द एनिमेशन सिग्मा रूल डिले सेव हाइफन हाइफन डॉलर, ठीक है। ये एक्चुअली मैं ब्रेसेस में अंदर पास कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा बहुत फेडेड है, लेकिन इसका कोई काम नहीं है, काम धंधा नहीं है यार, क्या करूँ, फालतू में टाइम वेस्ट। और यार 20 मिनट्स के अंदर भी ख़त्म नहीं हुआ। हाइफन डिले सेव कॉमा डिले प्लस डबल कोट के अंदर सेव एस, अब जाके हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ख़त्म हो चुका है। तो लेट्स सी दैट हाउ इट्स वर्क्स। यो आ गया। और इधर आप लोगों को एक चीज़ बता देते हैं ना, इधर हमने इनबिल्ट स्टाइल शीट यूज़ किया है, इसको कंट्रोल प्लस एक्स करके सेव करके रिलोड करते हैं, तो ये देखो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, रिलोड करता हूँ तो वर्कफ्लो हिडन। तो ये सबको ही पता है यार, एक बच्चे बच्चे को ही। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को उतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल फॉर मोर प्रोजेक्ट्स लाइक दिस। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।